बेटा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैम, मैम मैंने रूबी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, आप बेशक फायजा से पूछ ले। मुझे पता है बेटा कि आप झूठ नहीं बोलती, तो फिर मैं फायजा से क्यों पूछूं? मैम रूबी के फादर आए थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। ओह तो ये बात है। मैम आप कुछ करें ना प्लीज। प्लीज आपको मैडम बुला रही। अच्छा मैं आती हूँ। दुआ बेटा आप क्लास में जाएं और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? यस मैम आपने मुझे बुलाया। यस प्लीज कम इन, बैठे। शाजिया मैंने आपको समझाया था कि रूबी का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, लेकिन देखें आपकी जरा सी गलती की वजह से कितना बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। आपको तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरी गलती की वजह से? मैम मैं कुछ समझी नहीं। दुआ को टेस्ट में मार्क्स आपने ही दिए थे ना? नहीं मैम, उसने अपनी मेहनत से लिए। मेहनत तो रूबी भी काफी करती थी, हमेशा क्लास में टॉप आती थी। लेकिन मैम मैंने दुआ को वही मार्क्स दिए हैं जो उसके बनते थे, और इस बार रूबी ने इतना अच्छा टेस्ट नहीं दिया इसलिए दुआ उससे आगे निकल गई है। खैर जो भी हो, बस कोशिश कीजिएगा आइंदा से कमाल साहब को हमसे कोई शिकायत ना। इस बात का कमाल साहब से क्या ताल्लुक है मैम? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो अपनी बेटी के मामले में किस कदर पोजेसिव हैं, और हम उनसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम हर तरह से उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे, चाहे इस मामले में दूसरे बच्चे हर्ट हो जाए। देखिए आप काफी अरसे से मेरे साथ हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं कि हमारे इस स्कूल को अपग्रेड करने में कमाल साहब ने हमें कितनी फेवर्स दी, और आइंदा भी हमें उनकी फेवर्स की जरूरत रहेगी, चाहे इसके लिए हमें रूबी को गलत फेवर देनी पड़े। मजबूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मजबूरी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यू मे गो नाउ। ओके मैम। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर उसे कोई कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या सोच रही हो बेटे? कुछ नहीं दादू। क्या कुछ बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं? हाँ बेटा, बेटियां तो होती ही प्यार के काबिल हैं। अब मैं भी तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, है ना? आप तो दादू हैं मेरे। मैंने आज पहली बार देखा कि बाप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार के उनकी गलत बात को भी सच मान लेते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? वो मेरी क्लास की मॉनिटर है रूबी, उसके बाबा आए थे आज, बहुत प्यार करते हैं उससे। अल्लाह उनका प्यार सलामत रखे। वैसे दादू जब अम्मी जिंदा थी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना? हाँ माएं तो होती ही प्यार ही प्यार है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो मर गई, मेरी और सिला से प्यार की बहुत सजा मिलती थी उन्हें। बाबा ने तो कभी खुश होकर उनसे बात ही नहीं की, वो तो खुश ही तब हुए थे जब वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो शानी की पैदाइश पर खुश हुआ था। की बात है दादो। अच्छा तुम क्यों इन बातों पर दिल जलाती हो? तुम तो इतनी समझदार हो, इतनी अच्छी हो, है ना? वो जो नहीं करता प्यार ना करे। अच्छा जा मुझे पानी मिला देगी? जी मैं लेके आती हूँ।